सेमीफाइनल से पहले बुरा फंस गया टीम इंडिया का इस खिलाड़ी ने कर दिया बड़ा ऐलान। तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी और कौन है ये खिलाड़ी, सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं इस रिपोर्ट की। दरअसल भैया वनडे वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया ने अब तक आपको बताया कुल अपने 8 मुकाबले खेलकर पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर है। और अब टीम इंडिया की बारी है अपने अगले 9वें वनडे मुकाबले की, जहां पे ये मुकाबला आपको बता दें कि भारत बनाम नीदरलैंड के बीच खेला जाएगा। और ये मुकाबला 12 नवंबर को खेला जाने वाला है बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। जी हां, और इस मुकाबले से पहले जहां भारतीय टीम के एक खिलाड़ी यानी कि ऑलराउंडर खिलाड़ी बोल सकते हैं जो कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी भी करते हैं, इस खिलाड़ी ने इस मैच से पहले एक बड़ा ऐलान कर दिया है जिसको लेकर टीम इंडिया यहां पे दोस्तों फंस चुकी है। दरअसल ये खिलाड़ी कोई और नहीं, दरअसल आपको बता दें कि ये है रविचंद्र अश्विन, टीम इंडिया के बेहतरीन बढ़िया गेंदबाज स्पिनर गेंदबाज। आपको बता दें यहाँ पे रविचंद्र अश्विन का कहना है कि यहाँ पे मैं टीम इंडिया के साथ जरूर वर्ल्ड कप में खेल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे टीम इंडिया मेरे को बार बार मौके नहीं दे रही है, केवल एक मैच में खिलाया, इसके बार बार वो मेरे को अनदेखा कर रही है। और यहाँ पे उनका कहना है कि अब मैं इस मुकाबले में यानी कि वर्ल्ड कप में नहीं खेलूंगा, मैं अब यहाँ आपको बता दूं कि वर्ल्ड कप के बाद यहाँ पे संन्यास लेने वाला हूँ टीम इंडिया से। उनका कहना है कि यहाँ पे क्या फायदा जब टीम इंडिया यहाँ पे बार बार मौका नहीं दे रही है, और इसी बात को लेकर यहाँ पे रविचंद्र अश्विन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तो आपकी क्या राय इस बारे में, आपको क्या लगता है कि रविचंद्र अश्विन के संन्यास लेने से टीम इंडिया को बड़ा झटका लगेगा या फिर नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।